राजस्थान के बोरवेल में बच्चों के गिरने की खबरें कई बार सामने आने लगी है। बुधवार 20 नवंबर को बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी में भी ऐसा ही हादसा हो गया। 4 साल का मासूम खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया। यह बोरवेल करीब 150 फीट गहरा बताया जा रहा था। 4 साल का मासूम बच्चा करीब 100 फीट की गहराई पर अटका था। इस बोरवेल में नीचे पानी भरा हुआ था। बच्चा शाम करीब 4 बजे गिरा। सूचना मिलते ही प्रशासन के अधिकारी, रेस्क्यू करने वाली टीमें और सिविल डिफेंस के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। बाड़मेर एसपी नरेंद्र मीणा भी मौके पर पहुंचे, लेकिन 6 घंटे की मशक्कत के बाद बच्चे को बाहर निकाला गया। तब तक बच्चे ने दम तोड़ दिया था। बच्चे के बारे में वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए बोरवेल में कैमरा लटकाया गया, जिसका व्यू बाहर लगी स्क्रीन पर नजर आ रहा था, लेकिन बोरवेल में पानी भरा होने से बच्चे की क्लियर इमेज नहीं मिल रही थी। हालांकि कैमरे में बच्चा बोरवेल में फंसा हुआ नजर आ रहा है। रेस्क्यू टीमें बच्चे को निकालने के प्रयास में जुटी रही। देशी जुगाड़ से बच्चे को बोरवेल से निकालने का प्रयास करने के लिए जालौर जिले से मेड़ा निवासी माधाराम को भी मौके पर बुलाया गया। बच्चे के बोरवेल में गिरने की यह घटना अर्जुन की ढाणी के पास की है। अर्जुन की ढाणी निवासी पप्पू का इकलौता बेटा था, जिसे बोरवेल से जिंदा बाहर नहीं निकाला जा सका। बताया जा रहा है कि पप्पू के खेत में एक नई बोरवेल कराई गई थी। पुरानी बोरवेल से मोटर निकालकर नई बोरवेल में लगाई जा रही थी। इस वजह से पुरानी बोरवेल का ढक्कन खुला हुआ था। 4 साल का मासूम खेलते खेलते पुराने वाले बोरवेल में गिर गया। हादसे के वक्त मासूम नरेश के पिता पंजाब में थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आरपीडी न्यूज, बाड़मेर। जैसे कि आप देख रहे हैं, छोटा बच्चा एक बोरवेल में गिर गया है, तो जो रेस्क्यू की टीम के अनेक स्तरों पर इसकी कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले SDRF को बुलाया गया है, इसके साथ ही NDRF को भी सूचित किया गया है, इसके साथ ही आर्मी को भी सूचित किया गया है। स्टेप टू स्टेप की जो उस तरीके से इस बच्चे को बाहर निकालते हैं, उस तरीके से मासूम बच्चा जो नरेश है, लगभग 3.5 साल का है। 4:30 बजे इतला मिली थी कि भाई जो घर का है बोरिक उसमें गिर गया, तो तुरंत ही मौके पर SDM साहब और SHO RGT CO साहब गुड़ामालानी आ गए और मेरे को भी पता लगा था। तो हमने टीम जो है प्रशासन की तरफ से जयपुर बात करी, SDRF और NDRF की टीम अभी पहुंच जाएगी रात तक, और अभी प्रयास कर रहे हैं सभी ग्रामीण मिलके, और उसमें देखते हैं अगर वो उसमें सफलता नहीं मिलेगी तो टीम पहुँच रही, टीम के निर्देशन में जैसे जैसे कैसे करेंगे भाई, कार्रवाई खोद के करना, कैसे करना, एक प्लान बना के उसमें कार्रवाई करें।